जल्दी ड्रिंक बनाओ। जी मैम साहब। एक भी फोटोग्राफ कायदे की नहीं है, मैंने पहले ही कहा था इस फोटोग्राफर को मत लो। इंस्पेक्टर श्याम जू पुलिस स्टेशन। जितनी गालियां देनी है बाहर जाके दीजिए। तुम लोग यहाँ किस लिए हो? घूस लेने और लाशों की गिनती करने? तुम लोग भी बाहर निकलो। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आप लोगों को यहाँ से जबरदस्ती निकाला जाएगा। कांस्टेबल्स रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। हमारी नेता, हमारी नेता
अगर किसी औरत को हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। औरतें हैं इसीलिए तो बची हुई हैं। अगर यही शोर मचाता हुआ मर्दों का जुलूस होता तो उन्हें बहुत दूर रोक लिया जाता। औरतें पुलिस वालों से कितनी बची हुई है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अरे अब तो पुलिस लॉकअप में भी औरतों की इज्जत लूटने लगी है। सिर्फ लॉकअप ही क्यों, आप जहाँ बैठती हैं असेंबली हाउस में वहाँ औरतों की इज्जत कितनी बची हुई है वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, उन्हीं में से एक से जिन्हें यहाँ की जनता चुनती है और वो कुर्सी पे बैठते ही जनता को गरीबी की दीवार में चुनकर ऊपर से मौत का लेप चढ़ा देते हैं। मगर तुम लोग ऐसे श्राप हो जो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। लाश तुम्हारे सामने रखी होती है और तुम लोग मक्खी की तरह भनभनाते हुए पार्टियों से सौदा करते रहते हो। इतने पैसे दो तो जिसे चाहे उसे फंसवा दूंगा। तुम लोग कानून के पहरेदारों से ज्यादा लाशों के घिनौने सौदागर बन चुके हो। और आप लोग अपने स्वार्थ, अपनी पब्लिसिटी और अपने वोट के लिए इन मासूम इंसानों को भेड़ों की तरह आपस में लड़ाकर तमाशा देखते हो। अगर हम में से एक दो लाशों का खुदरा व्यापारी है तो आप लोगों में से एक दो को छोड़कर बाकी सब लाशों का होलसेल में व्यापार करते हो। शट अप, यू शट अप। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वही नेताओं वाली हरकत। मौका देखते ही भाषण देना शुरू कर दिया। एक दो करप्ट पुलिस ऑफिसर का एग्जाम्पल देकर सारी पुलिस फोर्स को बदनाम कर रही है। अगर पुलिस में सिर्फ एक दो ही बुरे होते तो इस देश की सारी जनता पागल है क्या जो हर कोई पुलिस से डरता है और नफरत करता है? ये हड्डियाँ चबाने वाले कुत्ते हैं। पुरानी बात है, कोई नया नारा दो। ये खून पीने वाले भेड़िए हैं। ये भी इनके लिए कम है। अगर सिर्फ गालियाँ देने से जनता या कानून का भला हो जाता तो नेता जितना एक दूसरे को गालियाँ देते हैं उससे तो देश का कल्याण ही हो जाता। तो क्या समझते हैं कि इस देश का कल्याण आप करेंगे? हमारी जो ड्यूटी है हम जरूर पूरी करेंगे और मुजरिम को पकड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस स्टेटमेंट को पुलिस वालों ने तोते की तरह रट लिया है, जब चाहे बोल देते हैं। हमें तोताराम पुलिस नहीं, ऐसी पुलिस चाहिए जो मुजरिम को फौरन कानून के हवाले कर सके। याद रखिए, अगर इस केस में आपने जरा भी सुस्ती दिखाई तो ये हंगामा सिर्फ पुलिस स्टेशन तक ही नहीं बल्कि असेंबली और पार्लियामेंट हाउस तक गूंज जाएगा। चलो नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। इन नेताओं के पास बस यही काम रह गया है, चिल्लाना, धमकी देना या गालियां देना। और ये पब्लिक तो सर, आजकल की पब्लिक को रिजल्ट्स चाहिए विक्रम, रिजल्ट्स। ये मत भूलो कि पिछले एक हफ्ते में इस इलाके में दो लड़कियों का रेप हुए हैं और डॉक्टर सप्रा अचानक अपनी क्लिनिक से गायब है और हमारे पास अभी तक एक भी क्लू नहीं है। दे वांट क्विक रिजल्ट्स। पर सर, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, सिर्फ एक क्लू है, कांप के चमड़े वाला जूता। हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग सर। विक्रम, जनता को नेताओं के भाषण और पुलिस की कोशिश से कोई मतलब नहीं, उनको अपना मुजरिम चाहिए और किसी भी कीमत पर, समझे? ओके सर। सर, हॉस्पिटल से फोन आया कि रश्मि को होश आ गया है। रश्मि को होश आ गया? फॉलो मी, कम ऑन। हरी अब शाम। कैसी है वो लड़की? होश में तो आ गई है, लेकिन लेकिन क्या, वो बचेगी नहीं? What nonsense, डॉक्टर! इस उम्र की लड़कियां कई रेप से मरती है क्या डॉक्टर? और उसके साथ तो ज्यादा मारपीट भी नहीं हुई है, इससे कई ज्यादा मारपीट तो पहली वाली लड़की के साथ हुई है। जब वो बच गई तो ये क्यों नहीं बचेगी डॉक्टर? बचेगी तो वो भी नहीं इंस्पेक्टर। बट कल ही तो आप कह रहे थे कि शी इज फाइन और एक दो दिन में आप उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं। यस, पर आज इस टेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि उन दोनों लड़कियों को एक ही आदमी ने रेप किया है और रेपिस्ट को एड्स है। एड्स? ओह माय गॉड। ये रही उन लड़कियों की रिपोर्ट्स। शाम, लेट्स गो। साहेब, ये एड्स क्या होती है? ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। खून देने से या फिर आपसी संबंधों से औरत से आदमी तक या आदमी से औरत तक पहुंच जाती हैं।
एक बार ये रोग लग जाने के बाद खून में बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और फिर एक के बाद एक बीमारियां इंसान को लगने लगती हैं और वो गल गल कर मर जाता है। अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं दिल दिल कर मरूंगी। कोई मुझ में थूकेगा भी नहीं। मुझे सबसे अलग एक अंधेरे कोठरे में बंद किया जाएगा। आखिर मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे तुम लोग मुझे काल कोठे में ले जाने के लिए ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। हाँ, मर जाना अच्छा है। रश्मि, ये नया नया जहर 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 खा रहा है कहर 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 कहर। पहले पाप मिटाने आते थे भगवान, इस युग में मिटाने आया एड्स का शैतान 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 शैतान। जिस्मानी अय्याशी का है ये फल, न इलाज है कोई न कोई हल। ये नया नया जहर 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 ढा रहा है कहर 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 कहर। पश्चिम से प्रभावित कुछ औरतों की है ये दास्तान, सीता सावित्री के आदर्शों का किया जिन्होंने अपमान। पश्चिम से चला है लेके कहर 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 पूरब तक फैला नया जहर 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 जहर। ये नया नया जहर क्या बात है टीचर, एक्सेस क्यों बंद कर दी?
कई दिनों से देखा कुछ भी काम करते करते अचानक तुम किसी और दुनिया में खो जाती हो। कुछ नहीं डैडी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू रिचा? पहले अपनी ड्यूटी पूरी कर लो, बाद में बात करेंगे। थैंक यू। ओके विक्रम, आओ। सर मैंने अपने आदमियों को हर मोड़ हर चौराहे पर तैनात कर रखा है। बैठो। किसी को भिखारी के रूप में तो किसी को पान वाले के रूप में, और मैं भी सारी रात गश्त करता रहा सर। गुड। सारे इलाके पर इसी तरह नाकेबंदी जारी रखो जब तक असली मुजरिम पकड़ा न जाए। तब मैं एमएलए साहब देवयानी कामत को उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकूंगा। क्या सोचने लगे सर? सोच रहा हूं मेरी भी एक बेटी है, कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अच्छा, एक पुलिस कमिश्नर की लड़की है, उसके चारों ओर पुलिस ऑफिसर रहते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता सर। दांतों के बीच रहने वाली जुबान बहुत मुलायम होती है और वो अक्सर कट जाती है। सर आप ऐसी बुजदिली वाली बात ना करें। सॉरी सर, बुजदिली शब्द के लिए माफी चाहता हूं। नहीं, तुमने ठीक ही कहा, बाप अक्सर बुजदिल हुआ करते हैं। एनीहाउ, तुम्हारी ड्यूटी खत्म, चौड़ीचा से मिल लो। थैंक यू सर। रिचा, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अरे क्या तकदीर है इस बंदर की, कम से कम तुम इसके लिए झूठ तो बोल लेती हो। तुम पुलिस वाले हो, सच और झूठ की जांच करते रहो, मैं तो चली। अरे मैं तुमसे मिलने और तुम जा रही हो? मेरा मूड नहीं है बात करने का। अरे तो ना सही, मेरा मूड तो है। तेरा मूड जाए भाड़ में जहन्नुम। देख मैं बोल देता हूँ, मैंने गन निकाल के अपने कनपट्टी पे रख दिया हूँ, मैं शूट कर दूंगा, मैं मार दूंगा। 1 2 3 विकी, विकी, विकी। देखा ना, रोक दिया ना तेरे को। तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं, कब सीरियस होना चाहिए कब मजाक करना चाहिए, तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं। तुम्हारी ये बचपने वाली हरकतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ड्रामेबाज कहीं के। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, रुको तो। अब तुम मर भी जाओ तो भी मैं नहीं रुकूंगी। सच्ची? देखा, मैंने तुम्हें जाने से रोक लिया ना। अब मैं ऐसी कोई मजबूरी नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ? मेम साहब, अविनाश जी के घर पे तो ताला लगा हुआ है, वो तो गांव चले गए। विक्रम की ऋचा को खुश करने की तमाम कोशिशों के बावजूद ऋचा उदास है। उसका मन तो अविनाश में अटका हुआ है और अविनाश जाने किस बात पर उससे रूठ गया है। दरअसल इस सारे किस्से की शुरुआत उस समय हुई थी जब ऋचा पहली बार अपने गांव गई थी। औरत को भूत उतर गया। ओह शिट, ये लोग कभी तक जंगली हैं। डैडी चली ना यहाँ से। रिचा प्लीज। आपको ये सब देखने में इसलिए मजा आ रहा है ना, क्योंकि आप इसी गांव के रहने वाले हैं? क्योंकि तुम इस गांव के नहीं हो, इससे तुम्हें हर चीज बुरी लग रही है। ऑस्ट्रेलिया मसार ले जाओ, भूतनी को खिल दिया है, ठीक हो गई है। बोलो चंडाल की जय, बोलो चंडाल बाबा की जय। काली काली महाकाली कपन वाली इंद्रदेव ब्रह्मा की साली मसान में रहने वाली डंकनी संकनी भोला गिरनी ईजर की कुची गिरमा का ताला डंकनी संकनी का मुखा का पान। नमस्ते पुलिस जी। नमस्ते। तुम नगाड़ा बहुत अच्छा बजाते हो। रोज ऐसा नहीं बजाता, आज बजाया है क्योंकि इतने दिनों के बाद आप गांव वापस लौटे ना, इसी खुशी में। कितना अच्छा लगता है पुलिस जी, जब हमारे बीच से कोई आदमी बाहर जाकर बड़ा आदमी बनकर हमारे यहाँ वापस लौटता है तो। अविनाश, ये है मेरी बेटी रिचा। पुलिस जी, इनका नाम आपने अच्छा नहीं रखा, रिचा। छे, रिचा से रीच की याद आती है। शट अप। रिचा प्लीज,
अच्छा हम तुम्हें फिर मिलेंगे। नमस्ते। चलो डैडी, यहाँ से जल्दी जाने का प्रोग्राम बना लीजिए। मैं ऐसे गवार लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पुलिस जी, आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, आजकल गांव में ढेर सारे भूत रहने लगे हैं। नीम के पेड़ पर भूत, पीपल के पेड़ पर भूत, आपके घर के सामने वाले कुएं में भूत, भूतहा तालाब में भूत, हर जगह भूत ही भूत हैं। इसलिए आप रात में अकेले मत निकलिए और आप भी रात में खुशबू वाला तेल मत लगाया कीजिए, वरना भूत आशिक हो जाते हैं। शराब, हम भूत प्रेत नहीं मानते। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, भूत होता है। क्यों पुलिस जी, तुमने अपनी आंखों से कहीं देखा है? अरे आपने देखा नहीं, अभी अभी तो एक को भगाया है। वो सब नाटक था, ढोंग था। उस बेचारी का खून पिशाच हफ्ते भर से बराबर चूस रहा था, आपने देखा नहीं वो कैसा कर रही थी? और आपको वो नाटक लगता है? नहीं नहीं बेटा, तुम बुरा मत मानो, दरअसल ये शहर में रहती है ना, इसलिए भूत प्रेत के बारे में कुछ जानती नहीं। क्यों, वहां नहीं होते? वो वहां पीपल नीम और कुएं तो है नहीं, तो रहेंगे कहां? ओ, तो वहां रहने का कष्ट है, तो ही सभी आकर गांव में बस। हाँ। अब मैं समझा कि गांव में इतने भूत क्यों हैं, लेकिन आप भी समझ लीजिए। क्या समझ लूं? यही कि समझदार आदमी को संभल कर रहना चाहिए, ना समझ की समझ को तो समझे। कभी कभी तो अच्छे खासे समझदार आदमी की समझ भी गच्चा खा जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो समझे तो क्या समझे। जब आदमी की समझ को भूत अपने कब्जे में कर ले तो बेचारी समझ क्या करेगी, वो तो ना समझ बन जाएगी ना, फिर अपना नफा नुकसान समझने की समझ कहां रह जाएगी। लेकिन आप तो समझ रही है ना कि मैं अपनी समझ से आपको क्या समझाया जा रहा हूं। ओ, स्टॉप इट। अरे लगता है इसे भूत ने पकड़ लिया। अरे बाप रे, अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपको जरूर किसी भूत ने पकड़ लिया। मुझे किसी भूत पर नहीं पकड़ा, प्लीज छोड़ दो। तो बुरी नजर लग गई होगी। अरे नहीं, मुझे बुरी नजर नहीं लगी, लीव मी अस। अरे आपकी अच्छी अच्छी नजर वाले भी अपनी नजर से नजारा करके नजर की ठीक पहचान नहीं कर सके। नजर उठी तो आधा बन गई, नजर झुकी तो हाया बन गई, नजर मुड़ी तो सदा बन गई। नजारे में नजर जो आए नजरिया वही सही है, लेकिन सच्चाई नजर आती है उसको जिसकी नजर में नजर की पकड़ है। नजर नजर से जहाँ मिली हो उसी नजारे पर मेरी नजर है। अरे ओझा जी, अरे उठो ओझा जी, अरे जल्दी बाहर। क्या हुआ, इनको भूत ने पकड़ लिया, जल्दी से इनका भूत उतारिए। भूत तो उतरेगा तेरा, ये मुझे जबरदस्ती उठा कर लाया है जबकि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। कौन सी साइज? आप क्या मुझे गाली दे रही है? अरे बाप रे, ये शहर की लड़कियां तो असली भूत से ज्यादा खतरनाक हैं। फौजी भाई, तुम अपनी मशीन गनी छोड़े जाओगे या मेरी कुछ सुनोगे भी? अब और क्या कहना है तुझे? फौजी भाई, उसने मुझे मारा तो मारा, मगर गालियां क्यों दी? अरे उसका बस चलता तो वो तुझे गोली से उड़ा देती। वो चलता, मगर गालियां क्यों दी? दे दी ना। क्यों दी? तो क्या चाहते हो तुम? मैं भी उसे गाली दूंगा। तो दो। फौजी भैया, तुम फटाफट मुझे अंग्रेजी की मोटी मोटी गालियां सिखा दो, जिसे मैं दूं तो बस फट से मिर्ची लग जाए। अभी तो एक ही गाली दिमाग में आ रही है और है भी बहुत वजनदार, तो जल्दी बोलो ना क्या है। उसे कहना आई लव यू। ये तो बिल्कुल हल्की है, हवाई मिठाई की तरह। फौजी भैया, अच्छा होता तुम अगर पुलिस वाले होते। क्यों? पुलिस वालों को गालियां बहुत आती हैं, तब तुम मुझे बहुत सारी सिखा देते। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, ये अकेली 100 पर भारी पड़ेगी। लगती है हल्की फूल की तरह, लेकिन इसका वार तोप के गोली की तरह है। पक्की बात? एकदम 303। वो गुस्सा करेगी? घायल शेरनी की तरह। तिल मिलाएगी? कुचली हुई नागिन की तरह। पांव पटकेगी? अरे तू एक बार कह कर तो दे। क्या बताया था? आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। क्या हुआ इसे? आई लव यू, आई लव यू। ओ फौजी भैया, फौजी भैया, मैंने उसे गाली दे दी। अरे लेकिन सबके सामने क्यों दी? तेरे चक्कर में रहा तू मरवा डालेगा। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तू संभल के रहना,
उसका बाप पुलिस वाला है, पहले वो यहाँ कर्फ्यू लगाएगा और फिर तुझे गोली छोड़ा देगा। क्यों गोली मार देगा? उसकी बेटी ने पहले गाली दी फिर मैंने दी, हिसाब बराबर। तूने उसे गाली नहीं दी, तूने उसे कहा कि आई लव यू, जिसका मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच ये मतलब होता है? हाँ, और तुमने सबके सामने कह डाला। ये बात तो तुमने ही सिखाई थी, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, क्यों मरवा रहे हो? यहाँ मरने से मुझे मेडल भी नहीं मिलने वाला, जाने दे। अरे ठहरिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि वो आपने ही सिखाई थी। अरे तू इन पुलिस वालों को नहीं जानता, मार मार कर अंतड़ियों से खाई हुई सब्जी तक बाहर निकाल लेते। वो भले ही मेरी जान निकाल ले, मगर अपने गुरु पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, एक काम कर यार, हाँ। तू ऋचा से माफी मांग ले। माफी क्यों मांगूं? माफी मांगने से मुंह से निकली बात वापस आ जाएगी क्या? इसलिए जो बोल दिया सो बोल दिया, गाली देता ये भी ठीक है, आई लव यू बोला वो भी ठीक है। अब गोली चले या गोला, भागता नहीं कभी दिल वाला। हाँ, कहीं तो ऋचा से प्यार तो नहीं करने लगा? हाँ? अच्छा, प्यार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रोमांस। करने को रोमांस, नो बेबी नो, अरे नो नो फाई, ए नो बेबी नो, नो नो फाई, मी मी रॉन्ग, यू यू राइट, हम तुम मिलके गाएंगे बस नाइट एंड डे एंड डे एंड नाइट, सारे गा मा पा दा नी दा सा, सारे गा मा पा दा नी दा सा, ओए वन 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 दे दे चांस, दे दे रे चांस करने को रोमांस, दे दे रे चांस तेरे चांस। No baby no, but no no fight. Hey no baby no, no no fight. Me me wrong, you you right. हम तुम मिलके गाएंगे बस night and day and day and night. सारे गामा बादा नी दा सा सा सा. सारे गामा बादा नी दा सा. हाँ, one 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 दे दे chance, दे दे रे chance करने को romance, दे दे रे chance. आस नहीं है, ओ सुन सुन ले मन।
सारे साथी और बराती सब नाचेंगे सब झूमेंगे झूम झूम कर सब गाएंगे क्या 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 सारे गामा पादा निदा सा 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 अरे वन 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 दे दे चा I love you. आप कहाँ जा रही हैं दीदी? मैं अविनाश के बच्चे को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ हूँ। मैंने अपने आप को खुद यहाँ बंधवाया है ताकि आप जितना चाहे जी भर कर मुझे मार सकें। आइए मारिए। आप चाहे तो मुझे जान से भी मार सकती हैं। यहाँ आपको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ वो फौजी भी नहीं आएगा जिससे मैंने आपको देने के लिए अंग्रेजी की गाली पूछी थी। उसने कहा बोल दे आई लव यू। मैंने आपको सबके सामने गाली समझ कर आई लव यू बोल दिया। बाद में उस फौजी ने जब उसका मतलब समझाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बबूल बोने गया मगर हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल उगाए हैं और हर फूल पर आपका चेहरा हो। अब तो खून का हर खतरा यही कहेगा आई लव यू। आप जो चाहें कर लीजिए। आप मुझे मारेंगे नहीं? मैं वो शिकारी हूँ जो शिकार करने वाले शिकारी का शिकार करने शिकार पर रवाना होती हूँ। मगर शिकारों में वो शिकार जो खुद कैद का शिकार हो उसका शिकार करके शिकारी कहलाना एक शिकारी की शान के खिलाफ है। तुम समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं। आई लव यू। गांव में अपने प्यार का इजहार करने के बाद ऋचा जब शहर चली गई तो अविनाश का मन गांव में नहीं लगा और वो भी उसके पीछे पीछे शहर चला आया। What can I do for you, sir? ओम ब्रीम ब्रूम ब्रूम स्वाहा। I didn't follow you, sir. ओम ब्रीम ब्रूम ब्रूम स्वाहा। आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? हमने ये पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कि आप सामने से हट जाइए। ओके। आपका कंठ लंगोट बहुत अच्छा है। I'm sorry. अरे सुनिए सुनिए सुनिए। अरे ये क्या है? मेन साहब अपने गांव में कहते हैं कि एक बार अगर किसी से टकरा जाए तो फौरन उसे दोबारा से टकरा लेना चाहिए वरना सींग निकल आते हैं सींग। अजीब बात है। अजीब नहीं सही बात है। You idiot, stupid fool. अविनाश। I love you. ये तुम क्या कहने लगे? पहली बार जब आपने मुझे गाली दी थी तब भी तो मैंने यही कहा था। अच्छा चलो यहाँ से बाकी बातें रास्ते में करेंगे। ऋचा तुम अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? ओह मोना ये अविनाश है हमारे गांव का। ये क्या करते हैं? भूत भगाते हैं। कौन सा भूत? जो भूत आप समझ ले वही। बाकी बातें बाद में कर लेना चलो। बाय मोना। अरे मेरा हाथ तो छोड़िए। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरा अपहरण कर रही हो। यही समझ लो।
I'm proud of you, Mona. Go ahead. All the best. क्या कहा मोना ने? एक नया मुर्गा हाथ लगा है। गांव का है? प्योर गांव का, हट्टा कट्टा बांका नौजवान। और उसका दावा है कि वो एक रात में 14-14 औरतों का भूत उतार सकता है। My God, I can't wait. मैडम, ये आपसे मिलने आई हैं। भेज दो। जी। कौन है? शहर के सबसे बड़े स्क्रैप डीलर मिस्टर दयाल की बीवी, करोड़ों की मालकिन है। उसे चाहिए क्या? एक बच्चा, उसका मर्द इस काबिल नहीं है। तो किसी अनाथ आश्रम से ले आए? नहीं देवयानी जी, उसे बच्चा हम दिलवाएंगे। और इस राज को राज रखने के लिए उसे अपनी तिजोरी के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रखने पड़ेंगे। स्मार्ट गर्ल, एक्सक्यूज मी। अरे मिसेस दयाल, आइए आइए आइए। देवयानी जी, ये है मिसेस दयाल। इनकी प्रॉब्लम तो मैंने आपको आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिसेस दयाल, आपकी ममता की झोली जरूर भर जाएगी। लेकिन मेरा पतिव्रत था। देखिए मिसेस दयाल, आपके पति बूढ़े हैं, वो न तो आपको शारीरिक सुख दे सकते हैं न संतान सुख, और माँ बनना हर स्त्री का धर्म है ना? हाँ। और इसको ख्याल में रखकर ही तो हमारे ऋषि मुनियों ने नियोग का तरीका निकाला था। लेकिन पराए मर्द के साथ संबंध, ये तो पाप होगा। अगर ये पाप होता तो प्राचीन भारत के आधे राजा निसंतान ही मर गए होते। तब न पांडव होते न कौरव। वो जमाना और था। जमाने की बात को सोचकर इतना परेशान मत होइए मिसेस दयाल, माँ बनना औरत का सबसे बड़ा सुख भी है और फर्ज भी। आपका दर्द मैं समझती हूँ मिसेस दयाल, आप बेफिक्र रहिए, आप हमारे पास मदद के लिए आई हैं। आपका भला बुरा सोचना हमारा भी तो फर्ज है। तुम्हारा सामान कहाँ है? मौजी भाई का यहाँ एक दोस्त रहता है, उसने मुझे घर दिला दिया, सामान वहीं है। अविनाश तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। तुम्हारे आने की खुशी में कल मैं एक पार्टी दूंगी। अच्छा? हाँ, ग्रैंड पार्टी। ये अविनाश है, हमारे गांव का। हेलो। नमस्ते जी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये बंदर है जो बाजा बजाता है। ओ। सुनो। अच्छा है। अच्छा है तो ले लो। नहीं नहीं, तुम रख लो। जब कोई पहली बार कुछ देता है तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए, आपने तो अपशगुन कर दिया। अच्छा लाओ, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। मेंशन नॉट। फौजी भाई से काफी कुछ सीख कर आया हूँ। हाय। अरे आज तो कमाल हो गया, मोना और साड़ी में। ये आपके लिए। असली है। हाय रिचा। हाय। हाय मीना। हाय बिगी। हेलो श्याम, हाउ आर यू? हाय किटो। मरी गया बाबा, आधे से लड़ना शुरू कर देगी। हेलो। आज तुम फिर देर से आए। क्यों, पार्टी खत्म हो गई क्या? पार्टी तो खत्म नहीं हुई, पर दैट मींस आई एम बिफोर टाइम। भाई पुलिस वालों को तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ही आने की आदत होती, क्यों? पर देर से आने के बाद भी हम अपनी रिश्वत लेना नहीं भूलते, क्यों? और जाने मन, अगर कोई प्यार से ना दे तो हम उसकी हड्डियां तोड़कर भी ले लेते हैं। अच्छा बाबा लो। आओ, मैं तुम्हें अविनाश से मिला। एक मिनट। वो है अविनाश। हाँ। देखा हम पुलिस वालों की नजर कितनी तेज होती है, डार्लिंग देखते के साथ ही पहचान लिया। हाय अविनाश। दर्द मुझे हुआ और हाय आप कर रहे हैं। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। चलो यार हाथ मिला लो, एक नई दोस्ती के खाते। नहीं। ठीक है, दोस्त नहीं तो दुश्मन समझ के ही हाथ मिला लो यार। नहीं।
क्यों? ना पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। भाई वाह, रिचाई तो बड़ी कमाल की चीज है। चल वे, चल वे। ए, आप तो दोनों नाच चुरी करते हैं। हाँ विनाश चलो। मुझे ये नाच नहीं आता। ओके नो प्रॉब्लम। मे आई हैव द प्लेजर ऑफ डांसिंग विद यू लेडी? ये शहरी लड़कियाँ कपड़ों की तरह मर्द बदला करती है। अविनाश कहाँ चले इतनी जल्दी? ठीक है चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मैं इन्हें छोड़ दूंगी। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। नमस्कार। बाय बाय। अब आप ऋचा से नफरत करने लगे होंगे। अपनी फसल से किसान बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि फसल जल भी जाए लेकिन उसका प्यार नहीं जलता। मैं ऋचा को अब भी प्यार करता हूं लेकिन मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। ये किसी को भूलने के लिए सबसे अच्छी दवा है। ये क्या है? शराब है, लो। मोना जी, जहर जहर से कट जाता है मगर नशा नशे से नहीं कटता बल्कि और बढ़ जाता है। एक दूसरी दवा भी है मेरे पास, आओ। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ ऋचा से पूछ लिया था। तुम नगाड़ा बहुत अच्छा बजाते हो। आज तुम इसे भूत उतारने के लिए नहीं, भूल जाने के लिए बजाओ। नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, मुझे ऋचा चाहिए। तुम्हें ऋचा मिलेगी, उसकी भी एक दवा है मेरे पास। अरे भाई, हम तो ठहरे राजनीति वाले, ये तो इनका पर्सनल मामला है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप चाहें तो ऋचा को इनके कदमों में डाल सकती हैं। मोहब्बत का मामला जोर जबरदस्ती से नहीं, मोहब्बत से ही निपटाया जाता है। प्लीज आप ही कुछ कीजिए, ये वही है जो एक रात में 14 औरतों के भूत उतार सकते हैं। हाँ देवयानी जी, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। देखो, अगर तुम ऋचा को पाना चाहते हो तो तुम्हें शहरी छोकरों से भी ज्यादा मॉडर्न और स्मार्ट बनना पड़ेगा। मुझे जो भी बनना पड़ेगा वो मैं बन जाऊंगा। गुड, कहीं बीच में ही हिम्मत तो नहीं हार जाओगे? हम गांव वाले जान हार जाते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते। वेरी गुड।
मोना कल से इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। थैंक यू। चलो। नमस्कार। अभी तक लगता है इसका शील भंग नहीं हुआ। अरे मैं तो इसे कच्चा चबा जाऊं। मिसेस दयाल आप बहुत लकी है, आज ही आप हमारे ग्रुप में आई और आज ही क्या मुर्गा फंसा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये डर तो सिर्फ पहली बार तक का है, इसके बाद तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एंड जी फॉर गर्ल, एंड जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल। वुमेन 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 याद मुझे तू आता रहेगा। वुमेन
विनाश से जरूर मिला ही देना। नमस्ते। नमस्ते। अविनाश कहाँ है? वो तो कब का चला गया? कहाँ? ये तो उसने नहीं बताया। कहीं वो वापस बॉम्बे तो नहीं गया? वो तो किसी अनाड़ी बंदूक चलाने वाले की गोली की तरह है, जो कहीं भी जा सकता है। तुम्हें ये पुरानी घिसी हुई रिकॉर्ड सुनने का शौक कब से हो गया? ए, बड़े दिनों से देख रहा हूं कि तुम बड़ी उदास रहती हो। न पार्टी, न पिकनिक, न हंसी, न मजाक, सारा दिन कमरे में बंद रहती हो। तुझे हुआ क्या है? विकी, आई एम इन लव। यानी कि आप प्यार में गिरफ्तार हो चुकी हैं। भाई ये तो सारे जहां को पता है। ये बात और है कि आज पहली मरतबा तुमने अपने जुर्म का इकबाल किया है। चलो अब कमिश्नर साहब को जज बनाकर जल्दी से फैसला कर लेते हैं। लेकिन अविनाश मिले तब ना।
अब बताओ विकी, मेरी पसंद गलत तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। उसकी वो चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब उसने चिल्लाकर कहा था आई लव यू। वो बहुत बड़ी बेवकूफी करता अगर यही बात दिल में दबा के रख लेता। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? पता नहीं वो कहाँ होगा। वो जहां भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास जरूर ले आऊंगा। प्रॉमिस विकी। प्रॉमिस रजा। बस स्टेशन ले चलो। साहब तुसी कहो तो तुहानू तुहाडे गांव पहुंचा दे। हां पुलिस साहब एदे नाल कोई पंगा है की नहीं? लगता है रास्ता रोकने की तुम्हारी पुरानी आदत है। अगर मैं ये कहूं कि तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि पुलिस वालों की तो आदत ही है झूठा बयान देने की। अच्छा, और तुम गांव वालों की क्या आदत होती है? जो तुम्हें दिल में बिठा ले उसे तुम फौरन दिल से निकाल देते हो। मतलब चलो रिचा के पास। तुम उसे बिना बताए चले आए, चलकर देखो उसने अपना क्या हाल बना रखा है। तुमने उसका दिल बहलाने की कोशिश नहीं की? अब समझा तुम उससे दूर क्यों चले गए। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि वो मुझसे प्यार करती है ना। अविनाश, रिचा का और मेरा ऐसा रिश्ता नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हम लोग एक साथ बड़े पढ़े लिखे, खेले कूदे, लेकिन वो प्यार सिर्फ तुमसे करती है। बेहद प्यार करती है, वो हर पल तुम्हारा इंतजार करती है। और मैं ये झूठा बयान नहीं दे रहा हूं मेरे यार। लायक बनने की कोशिश में भटक रहा था। झूठे कहीं के नहीं रिचा, मेरी जिंदगी का सच सिर्फ यही है। अविनाश, अब कभी दूर मत जाना। कभी नहीं रिचा, कभी नहीं। दिल पर मेरे Thank you.
बन गए जैसे नयन में किरण किरण में अगन अगन में तपन गए थे संग में प्यार के रंग में खोए रहेंगे कैसे देखो अच्छा तुम रख लो नहीं तुम रख लो जब कोई पहली बार कोई चीज दे तो उसे लेने से इनकार नहीं करना चाहिए अच्छा तो मेरा दांव मेरे पे ही थैंक यू मेंशन नॉट ला 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 आप बोलती क्यों नहीं सच्चाई से मुझे डर नहीं लगता बताइए ना मुझे क्या बीमारी है मुझे हुआ क्या है तुम्हें एड्स हुआ है नहीं क्या तो डॉक्टर ये झूठ है ये झूठ है तुमने अपनी जवानी का बहुत गलत इस्तेमाल किया है तुम न जाने कितनों के साथ सोए और उन्हीं में से कोई लड़की अपने अंदर ये जहर लेकर आई और तुम्हें दे गई मुझे बचा लो डॉक्टर मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता बहुत दिनों तक बिछड़ने के बाद मुझे रिचा मिली है कौन रिचा कहीं उसने तो यह जहर तुम्हें नहीं दे दिया नहीं डॉक्टर वो गंगा जल की तरह पवित्र है तो फिर वो कौन हो सकती है मुझे नहीं मालूम देखो कुछ छुपाने की कोशिश मत करो नहीं डॉक्टर नहीं
मुझे नहीं मालूम ये जहर मुझे किसने दिया, मगर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, ये जहर मेरे बदन से निचोड़ कर बाहर कर दो, बाहर कर दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपनी जमीन घर बार जायदाद सब बेच डालूंगा, प्लीज डॉक्टर। अगर पैसे से एड्स का इलाज हो जाता तो रॉक हडसन हॉलीवुड का करोड़पति हीरो जरूर बचा लिया जाता। इसे देखो, कैसा हंसता खेलता बाका नौजवान है, जिंदगी से भरपूर, लड़कियों के दिलों का राजा। अब देखो, एड्स की बीमारी ने इसे देखो 6 महीने में क्या से क्या बना। चलता फिरता हड्डियों का ढांचा होकर रह गया, अब यह मर चुका है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? अब इसे देखो, इसे भी एड्स हुई थी, इसे भी एड्स थी। बंद करो डॉक्टर, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता। अब इसे देखो, इसे भी एड्स है और ये कैद में है। मैंने कहा ना बंद करो। इसे भी एड्स थी। नहीं, इसे भी एड्स है। बंद करो डॉक्टर। है नहीं, थी, अब ये मर चुकी है। डॉक्टर, इसी ने मुझे बीमारी दी थी, इसी ने मुझे जीते जी मार दिया, डॉक्टर। डॉक्टर, पहले मैं ऐसा नहीं था, पर कुछ औरतों ने मुझे ऐसी शरीर चकाचौन दिखाई, मैं अंधा हो गया डॉक्टर, अंधा हो गया। मेरी आंखों के सामने जैसे 1000 वोल्ट का बल्ब जला दिया गया हो, और मैं खूबसूरत जिस्मों की अंधेरी खाई में डूबता चला गया। इस लड़की के बाद भी तुम दूसरी लड़कियों से मिले थे? हाँ, कईयों से। माय गॉड, इसका मतलब तुम और भी कई लोगों में यह जहर बांट चुके हो। हेलो पुलिस। आप पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं? अब तुम्हें सारी दुनिया से अलग किसी कमरे में बंद रखना होगा, ताकि यह जहर तुम और लोगों तक ना फैला सको। और उन औरतों का क्या होगा जिन्होंने मुझे बर्बादी के रास्ते पर ढकेला? तो क्या तुम इस लड़की के बाद उन लड़कियों के साथ? नहीं, उन्होंने तो महीनों पहले मुझे आम की तरह निचोड़ कर चूस कर फेंक दिया। थैंक गॉड, वो तो बच गई। इसका मतलब ये कि सजा सिर्फ मुझे भुगतनी पड़ेगी, तिल तिल मौत मुझे मरनी पड़ेगी, और वो ऐश करती रहेगी? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं होगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। सॉरी डॉक्टर, जब तक मैं उन औरतों से बदला नहीं ले लूं, तुम्हें मेरी कैद में रहना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर श्याम जू, पुलिस स्टेशन। मैं कैलाश बोल रहा हूँ सर, मैंने अभी भी सांप के चमड़े वाला जूता पहने एक आदमी को देखा है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। बाहर निकल आओ, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब गोली मार देंगे हा? और कहेंगे कि हम सब एनकाउंटर में मारे गए। तुम लोग वहीं रहो, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। इंस्पेक्टर, तुम शायद नहीं जानते, मैं परशुराम का छोटा भाई हूँ बाबू। वो इस देश में तो नहीं रहते, फिर भी इस शहर पर राज करते हैं। वो यहाँ के किंग है, किंग। और इस शहर की सबसे छोटी जगह जिसे तुम अदालत कहते हो ना,
वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शहर चाहे जितना बड़ा हो, शहर में रहने वाले चाहे जितने भी लोग हों, सबको जलाने वाला शमशान उससे भी छोटा होता है, जितनी छोटी यहाँ की अदालत है। और अदालत भी एक ऐसा शमशान है जहां मुजरिमों को उन्हीं के जुर्म की चिता पर लेटकर सजाएं दी जाती हैं। तो तुम ही ने उन दो लड़कियों का रेप किया है। इंस्पेक्टर, मुझे लड़कियों का नहीं, सिर्फ कानून का रेप करने का शौक है। एमएलए हैं, आपको खड़े होकर इन्हें इज्जत देनी चाहिए। इज्जत कोई खोटी चवन्नी नहीं जो भीख में मिल जाए। इंस्पेक्टर विक्रम, जिस कुर्सी की गर्मी से तुम अकड़ रहे हो, उस कुर्सी को तुम्हारे नीचे से खींचने में देर नहीं लगेगी। मुझे मालूम है कि आप लोग कुर्सी की खींचतानी में बहुत माहिर हैं, पर अपना भी एक स्टाइल है मैडम। सर वहीं झुकता है जहाँ दिल झुका हो, और तुम जैसो का दिल वहीं झुकता है जहां से पैसा मिलता है। देवयानी कामत, MLA, किसी के बारे में बिना कुछ जाने समझे उस पर इल्जाम लगाना गलत है। जो इज्जत से खड़े नहीं होते, हम उसे बेइज्जत करके खड़ा कर देते हैं। समझ गए इंस्पेक्टर विक्रम? अब ये बताओ कि अगर तुमने बाबू को उस रेपिस्ट के शक में गिरफ्तार किया है जिसे एड्स की बीमारी है, तो सबसे पहले तुमने उसकी मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाई, जिससे ये पता चलता कि इसे भी एड्स है या नहीं? मेडिकल जांच हो चुकी है और रिपोर्ट आज आ जाएगी। आ जाएगी नहीं, आ गई है। वकील साहब दिखाइए, इसे पढ़ लो, वरना वकील साहब इसका ट्रांसलेशन हिंदी में समझा देंगे। बाबू को एड्स की बीमारी नहीं है। ये जांच सबसे पहले करानी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले ही तुमने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस ग्राउंड पर मैं तुम्हें डिसमिस करा सकती हूँ। मैडम एक मिनट प्लीज। मैडम, हमारे खानदान का ये असूल है कि मर्दों की दुश्मनी का बदला सिर्फ मर्द लेते हैं, हम औरतों के सारे कभी बदला नहीं लेते। और भैया ने भी आपको सिर्फ जमानत ही देने के लिए कहा होगा, इंस्पेक्टर विक्रम की वर्दी उतारने के लिए नहीं। वकील साहब, कागजी कार्रवाई हो चुकी है, सिर्फ रिहाई बाकी है। छोड़ दो उसे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। चलो। मेरा भाई महान। महान मैं नहीं, महान तो आप हैं देवयानी जी। लाश को जितना टाइम नहलाने धुलाने कफन पहनाने में लगता है, उससे भी कम टाइम में आपने हमारे भाई को छुड़ा दिया। दुनिया ऐसे ही चलती है परशुराम जी, कभी हम तुम्हारे काम आए, कभी तुम हमारे। वो तो है, वैसे भी तबले और तवायफ का साथ तो जन्म जन्म का होता है। बुरा मत मानिएगा। वैसे मुझे एक बात की हैरानी जरूर है, मेरे भाई पर उन लोगों को हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। सर, आज आपका जन्मदिन है और आप अंधेरे में बैठे हैं। जन्मदिन बनाने का मूड नहीं है श्याम। मुझे मालूम था इस बार आप कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मिठाई लेकर आया हूं। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। इंस्पेक्टर विक्रम या? सर मैं कैलाश, रेलवे पार्क के चबूतरे पर बाबू करोड़ों रुपए के ड्रग्स का सौदा कर रहा है। रंगे हाथों पकड़ने के लिए आप फौरन आ जाइए। Thank you.
विक्रम तुम्हारा खास इन्फॉर्मर। आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए तोहफा भेजना जरूरी था। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हारा परशुराम। ऋचा को मैंने जान से ज्यादा प्यार किया है, पर अपनी इस बीमारी को जानने के बाद मैं उसे दूर भागता रहा हूं और छुप छुप कर उसे दूर से देखता भी रहता हूं। यहां तक तो ठीक है। सच बताना डॉक्टर, तुम उस दिन मुझे वीडियो पर एड्स से मरे हुए लोगों की तस्वीरें क्यों दिखा रहे थे? इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए तो तुम मर जाओ, ताकि तुम्हारा जहर तुम्हारे साथ खत्म हो जाए। मैं भी यही चाहता हूं डॉक्टर, कि वो सारी औरतें मर जाएं, ताकि उनकी हवस का जहर उनके साथ खत्म हो जाए। लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि जिसको तुम ये जहर दोगे वो उस जहर को दूसरों में बांटेंगे जिन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इसीलिए तो इंतकाम लेने के बाद मैं अपने शिकार को इतना जख्मी कर देता हूं कि वो पुलिस और डॉक्टरों तक पहुंच जाए और आगे ये जहर ना फैल सके। पर अभी चार और बाकी हैं। विक्रम यार, मैं सोनी मल्होत्रा के जू वाले बंगले से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ एक आदमी घुसा है, वो मिर्जा पे जबरदस्ती कर रहा है। आप प्लीज जल्दी आइए। शिट। अंदर आ जाओ। परशुराम, तुम बंबई कब आए? कल। अपने भाई का हिसाब चुकता करने मुझे यहां तो आना ही था। वैसे वो मोटरसाइकिल भी मैंने ही रखवाई थी। हेलो भैया, आपने मुझे बुलाया? ओ, इंस्पेक्टर विक्रम। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।
अब बताओ इंस्पेक्टर विक्रम, कैसी मौत मरना पसंद करोगे तुम? मेरी मौत जैसी भी होगी, तुम जैसे कुत्तों की जिंदगी से अच्छी होगी। इंस्पेक्टर बंद, मैं नहीं चाहता कि मेरे कपड़ों पर पुलिस वाले के खून के छींटे पड़े। मेरे जाने के बाद हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई तो चले गए, अब तुम्हारी मौत रह गई है। तेरे को मारो। एक दो खाड़ी में कात्रे सर, इनके लिए खून का इंतजाम कीजिए। ये रहा है इनका ब्लड ग्रुप कार्ड। ओके। थैंक गॉड, इस ग्रुप का एक बोतल तो हमारे पास है। डॉक्टर कात्रे हेयर, इंस्पेक्टर विक्रम को खून नहीं मिलना चाहिए। तुम कौन बोल रहे हो? परशुराम। डॉक्टर कात्रे, अगर तुमने ना किया तो मैं समझ लूंगा कि तुम कह रहे हो काट रहे, और मैं तुम्हें बीच चौराहे पर काट दूंगा। डॉक्टर शर्मा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विक्रम, कैसा है? सर, में गहरी चोट आई है, दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गया, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की है? सर, विक्रम का ब्लड ग्रुप अपने अस्पताल में नहीं है। ओह माय गॉड। डॉक्टर, हम सब अपना खून देने के लिए तैयार हैं।
हो सकता है हमें से किसी का ब्लड मैच कर जाए। हाँ डॉक्टर साहब। गुड, तो हम अभी आपका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। हाँ डॉक्टर दास। यस सर। तब तक तुम दूसरे हॉस्पिटल से ट्राई करो। ओके सर। आइए चलिए। डॉक्टर कात्रे तुम ऐसा करो कि इन सब का ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लो। अविनाश तुम कहाँ थे? मैं तुमसे मिलने गाँव गई थी पर तुम वहाँ से निकल गए थे, तब मुझे बहुत बुरा लगा, पर अब लगता है अच्छा ही हुआ, भगवान ने तुम्हें विक्रम की जान बचाने के लिए शायद गांव से शहर भेजा है। चलो खून टेस्ट करा लें। हाँ, हाँ, यहाँ भी नहीं है। यस डॉक्टर। सर मैंने सारे अस्पतालों में पता लगाया, उस ग्रुप का ब्लड कहीं नहीं मिल रहा। तो प्राइवेट क्लिनिक को फोन करो। यस सर। डॉक्टर कात्रे क्या हुआ? सॉरी सर, इनमें से किसी का भी खून मैच नहीं हो रहा। अविनाश तुम भी अपना खून टेस्ट करा लो ना, शायद वो विक्रम के खून से मैच कर जाए। मेरा खून किसी के साथ मैच नहीं कर सकता। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। तुम्हारा खून किस ग्रुप का है? ऋचा मैंने कहा ना कि मेरा खून किसी के साथ मैच नहीं कर सकता, तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती? अविनाश तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, एक तरफ तुम उसे गुंडों से बचा कर ले आते हो, दूसरी तरफ उसकी जान बचाने के लिए अपना खून नहीं देना चाहते। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे भी वो बीमारी लग जाए जो मुझे है। तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमारे दोस्त की मौत से भी ज्यादा भयानक है? बताओ बताओ ना। ऋचा जब मैं खामोश हो जाया करूँ तो प्लीज तुम भी खामोश हो जाया करो। क्या वो खून डॉक्टर सपरा के क्लिनिक में मिल सकता है? पर वो तो कहीं गायब है और क्लिनिक भी बंद है। अच्छा एक बात बताइए, क्या उस ग्रुप का ब्लड कहीं और नहीं मिल सकता? ओह नो। घुमा के रखो। जी दाऊ। डॉक्टर चलो जल्दी चलो। क्यों? विक्रम की जान खतरे में है, मुझे तुम्हारी क्लिनिक से खून चाहिए। जहर बांटने से जी भर गया जो जिंदगी बांटना चाहते हो? तुम अभी तक नहीं समझ सके डॉक्टर, डिटेल में समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। शॉर्ट में इतना समझ लो कि हम लोग भगवान शंकर की तरह होते हैं, जो जिंदगी देते भी हैं और जिंदगी लेते भी हैं, और दोनों काम बड़े आराम से करते हैं। अभी तक तो मैं इससे टेलीफोन की तार काटता आया हूं, देर करोगे तो गर्दन की नस काटा लूंगा। चलो डॉक्टर। ऑपरेशन कामयाब हो गया है। थैंक गॉड। लेकिन अभी 24 घंटे तक जरा खतरा है, यानी कि कल 12 बजे तक। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरा नहीं, थैंक यू अविनाश का कीजिए जिसने खून ला कर दिया है, वरना ऑपरेशन नहीं हो पाता। ऋचा अविनाश कहाँ है? पॉकेट में से ये सामान मिला है। थैंक यू। आप चेक करके रजिस्टर में साइन कर दीजिए। थैंक यू। वेलकम। आप क्या सोच रही हैं मुझे मालूम है। मैं विक्रम से बार बार ये कहता रहा कि आपसे सब कुछ साफ साफ कह दे,
लेकिन उसने आपसे कुछ नहीं कहा। या शायद कह भी दिया और आप समझ ना सकी हो। अरे रे, रे अरे छोड़ो तो, अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें अपने दिल की बात दिखाने। दिखाने मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। देखो और समझो। रोज रोज जिया कर धक धक धक, दिल में होती है मेरे ठक ठक ठक, कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे, रोज रोज जिया करे धक धक धक, रोज रोज जिया करे धक धक धक, दिल में होती है मेरे ठक ठक ठक, कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे, कभी 11 11 11 11 12 बजे, कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे, कभी 11 12 11 12 बजे। कुछ
तुझे मिटा हूँ मैं तुझे पे मरूंगा, तुझ पे मिटा हूँ मैं तुझे पे मरूंगा, सर पटकूंगा ठंडी आहें भरूंगा, ठंडी आहें भरूंगा, परवाना बन जाऊंगा मैं दीवाना कहलाऊंगा, मैं मजनू जैसा दुनिया में नाम करूंगा, मैं तो नाम करूंगा। इस गाने के बोल से कुछ समझी या नहीं? हाँ समझी। क्या? यही कि 11 से 12 बजे तक का टाइम तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक है। अब घबराने की जरूरत नहीं। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारे पर्स में जो इनकी तस्वीर थी वो इन्होंने देख ली है, जिसमें तुमने लिखा था आई लव यू। वो तो मैंने मजाक में लिखा था। तुम झूठे और अच्छे इंस्पेक्टर हो। बस, बात मत करो, मुंह से सांस लो, मुंह से सांस लो। तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, मुझे जाने दो। दवाई लेके वापस आता हूँ फौरन, डरो मत, मुझे जाने दो। नहीं डॉक्टर, नहीं। कभी जब मेरी बहुत कुछ फासले पर थी तब तुमने मुझे मानना चाहता, अब जबकि मौत बहुत करीब आ गई है तुम उसे खींचकर फासले पकड़ देना चाहते हो डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे पास और वक्त कितना बाकी है। ये बिल्कुल सही कोई नहीं बता सकता। हे भगवान, उतनी सांसें तो जरूर देना कि मैं जीते जी अपनी मोहब्बत का कर्ज चुका सकूं। मैं ऋचा का हाथ विक्रम को देना चाहता हूं। ये फाइल वहां रख देना। विक्रम। हाय अविनाश। हाय। कैसे आना हुआ? एक चोरी की रिपोर्ट लिखवानी थी। चोरी? कैसी चोरी? ऐसा है कि वो इंस्पेक्टर विक्रम या सर? यस सर। हाँ जी। ओके सर, मैं अभी आता हूँ सर। ओके सर। अविनाश, कमिश्नर साहब का फोन था यार, मैं आते के साथ देख लूंगा। शाम विल टेक केयर ऑफ यू। शाम, टेक केयर ऑफ माय फ्रेंड अविनाश, टॉप प्रायोरिटी। ओके सर, सी यू लेटर। ओके बाय। दिल तुम्हारा चोरी हुआ और रिपोर्ट किसी और को लिखवाऊं? नहीं दोस्त, ये रिपोर्ट तुम्ही को लिखनी होगी और मुनासिब कार्रवाई भी तुम्ही को करनी होगी। मेरी एक बात याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर साहब, इज्जत लूटने वाला और मौत बांटने वाला हत्यारा अगर जल्द से जल्द पकड़ा नहीं गया तो एक दिन हमारी पार्टी पे से सबका विश्वास उठ जाएगा और लोग विद्रोह कर देंगे। लिसा देख क्या माल है ना। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी से अपने काम में लगे हुए हैं, वो मामले को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। क्यों? 100% राइट। चलो जरा बकरे को टटोलें तो सही। मुझे माफ करो, अब मैं ये सब नहीं करूंगी। क्यों? एड्स के डर से? नहीं ये बात नहीं है, मैं तो यही सोच के आपके ग्रुप में आई थी कि मैं जब माँ बन जाऊंगी
तब ये सब छोड़ दूंगी। इतनी भक्ताइन बनने की क्या जरूरत है? बच्चा अपनी जगह और ऐश अपनी जगह। नहीं, मुझे माँ बनना था, मैं बन गई। मुझे मेरे किए की जो सजा मिलनी थी वो भी मिल गई। मेरे पति को भगवान ने मुझसे छीन लिया। ये तो अच्छा ही हुआ, नाम और पति रहने से फायदा भी क्या था। कुछ पेड़ भी फूल नहीं देते मगर छांव तो देते हैं। मैडम, मिसेस दयाल जरूर गिर गई थी, लेकिन मैं एक माँ को गिरने नहीं दूंगी। पेट में नाजायज बच्चा लेकर घूमती है और सफाई छाटती है, माँ को गिरने नहीं दूंगी। ये तो सरासर दोगलापन हुआ। छोड़ से, देख तो क्या बागपन है। तू उसे दाना डालेगी या मैं डालूं? आज आप ही शिकार कीजिए। ओके। कमिश्नर साहब, तीन केस हो चुके हैं शहर में, लेकिन अभी तक वो मुजरिम नहीं पकड़ा गया। मालूम है आपको, आज शहर में कोई भी औरत अपनी इज्जत को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बताइए बताइए, आखिर कब तक औरतों की इज्जत यूं ही लुटती रहेगी? हमें तो हंसी आती है अपनी पुलिस डिपार्टमेंट पर, मगर आपको शर्म भी नहीं आती। लीजा हेयर, क्या कर रही है छिनाल? जल्दी से भाग कर आजा। कौन है तेरे पास? वही अपना नया वाला चुनाव चिन्ह। अरे शेरनी, जब शिकार पर मुंह लगा दे तो बाकियों के लिए बिना खून की हड्डी और मांस ही बचता है, जिसमें मजा नहीं आता। तो सुनती रह सिस्कारिया। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कौन है तुम? नरकी। नरकी है क्या? जो लोग मर के स्वर्ग जाते हैं उन्हें स्वर्गीय कहा जाता है, पर मैं जीते जी नरक भोग रहा हूँ, इसलिए मैं नरकी कहलाना पसंद करता हूँ। और तुम्हें भी पहले नरकी फिर स्वर्गीय बना दूंगा। अविनाश, तो तुम हो वो रेपिस्ट? विक्रम, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये चौथा केस है और मुजरिम अब तक फरार है। ऊपर से वो देवया निकामा था धोकर पीछे पड़ी हुई है। जानते हो ये बात सीएम तक पहुंच गई है और हमें कुछ नहीं पता? नहीं सर, इस बार एक क्लू मिला है। क्या? ये की चेन। अविनाश। ऋचा, तुम आओ आओ। ऐसे क्या देख रही हो?
कल रात तुम कहाँ थे? यही था, क्यों? तुम सच कह रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? खाओ मेरे सर की कसम। अच्छा मेरा यकीन करो, मैं यही था। झूठ, तुम झूठ कह रहे हो। कल रात तुम यहाँ नहीं थे, कहीं और थे, और तुमने जो हरकत की उसके बारे में सोचकर भी मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारा किचन कहाँ है? किचन? क्या इस किचन के बारे में बात हो रही है? रिचा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये माशा कल रात कहाँ थे। कल रात तुम लीजा के घर पर थे। लीजा? कौन लीजा? तुमने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। मैं किसी लीजा को नहीं। वो तुम्हारे चुंगल से भाग निकली, तुमने उसका पीछा किया, तुमने उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ट्रक के सामने कूद कर अपनी जान दे दी। ये सब बकवास है। बकवास नहीं है अविनाश। क्या ये भी बकवास है? ये कीचेन मरने वाली लीजा के हाथ में था और ये कीचेन तुम्हारी है। क्या इससे तुम्हें इनकार है? हाँ, ये कीचेन मेरा है, मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं। ये तो मुझे जान से भी प्यारा है, लेकिन ये तो कुछ दिन पहले खो गया था। मेरा मतलब है चोरी हो गया था। चोरी हो गया था? और इसी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए मैं उस दिन तुम्हारे पास आया था। तो लिखाई क्यों नहीं? तुम्हारे पास वक्त कहाँ था दोस्त? और ये कोई मामूली किचन नहीं है, रिचा का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। मतलब तुम वो नहीं थे, कोई और था। विक्रम, तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें तो हर आदमी में मुजरिम ही छुपा नजर आता है। उसके अंदर के दर्द और तकलीफ से तुम्हारा क्या वास्ता? मुझे माफ कर देना यार, फर्ज के जोश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया, क्या क्या बोल लिया। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और मैं भी तो ना जाने क्या क्या बोल गई। अरे नहीं यार, इसमें तुम दोनों का कोई दोष नहीं है। मैं भी अगर तुम दोनों की जगह होता, मैं भी शायद उसी नतीजे पर पहुंचता जिस पर तुम दोनों हो। वैसे है ना कमाल की बात, तुम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। विक्रम, बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगा रखी है, ये उगते हुए सूरज की है या डूबते हुए सूरज की? ये तो देखने वाले की नजर पर निर्भर करता है कि उसे उगता हुआ सूरज नजर आता है या डूबता हुआ। क्या सोच रही हो मोना? सोनी, उन लोगों ने तुम्हें आने दिया मेरे पास? हाँ, रहम आ गया था शायद उन्हें हम पर। नहीं, मेरे पास मत आना। क्या तुम नहीं जानती मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है? मोना, हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। तुम्हारा मतलब तुम भी? हाँ मोना। हाँ, पाप तो हमने किए ही थे, जहर को अमृत समझकर पीते रहे, अब उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। हमसे तो रश्मि ही अच्छी रही जिसने खुदकुशी कर ली। क्या रश्मि भी? हाँ मोना। आप लीजा को तो जानते ही होंगी। क्या हुआ लीजा को? हमले से तो बच गई वो, लेकिन ट्रक के नीचे कुचल गई। आप चारों एक दूसरे को जानती थी, एक ही आदमी ने आप चारों पर हमला किया है, वो जरूर किसी बात का बदला ले रहा है। सोचिए, प्लीज सोचिए, ऐसा कोई हादसा आप लोगों के साथ गुजरा हो या ऐसा कोई आदमी जिसके साथ आपकी दुश्मनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरूर हुआ है। सोचिए, अपनी खातिर ना सही तो उन लोगों की खातिर जिनसे वो बेरहम रेपिस्ट कभी भी बदला ले सकता है। आप चाहेंगी तो कई मासूम बहनों को मौत के मुंह से बचा सकती है। बोलिए, प्लीज बोलिए। बस करो इंस्पेक्टर, बस बस। मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ, मैं सब बताऊंगी। शाम, मोना, मैं सब बताऊंगी इंस्पेक्टर। वो कौन है ये तो मैं नहीं जानती,
लेकिन उसका अगला शिकार कौन होगा उसका अंदाजा है मुझे। हमारे ग्रुप में 6 औरतें थी, अब 2 बची हैं, मिसेज दयाल और देवयानी एमएलए। देवयानी एमएलए? बुना, बुना, खुदकुशी इसका हल नहीं है, और क्या पता इसका कोई इलाज निकला है। बुना मेरी बात सुनो। मैं झूठ नहीं बोलता। ओह नो, ये तो मां बनने वाली है। इस हालत में दौड़िए मत। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, दौड़िए मत। सुनिए मेरी बात, सुनिए, सुनिए, रुक जाइए, दौड़िए मत प्लीज, सुनिए। यस देवयानी कामत। नहीं अली, भारत टाइम से आपको मिनिस्ट्री में लेने की बहुत गर्मा गर्म खबर है। मुबारक हो। थैंक यू मैडम। अब आप मंत्री बनने वाली हैं, क्या कुर्सी पर बैठने के बाद भी? कुर्सी पर बैठने से मेरा संघर्ष नहीं बैठेगा। मैं पहले भी स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ती रही हूँ और आगे भी लड़ती रहूंगी। इंटरव्यू सुबह फोन करके टाइम ले लीजिएगा। देवयानी जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैटरनिटी होम में होना चाहिए था। मैं पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। वो मौत की तरह मेरा पीछा कर रहा है। मैं इस बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। अब मेरे साथ चलिए प्लीज, अभी। कहाँ? पुलिस के पास। हम उनसे प्रोटेक्शन मांगेंगे, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। क्या बताओगी? कि तुम अयाशिया करती रही हो और पुलिस इसका पता लगाए कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? नहीं, वो मुझे मालूम है। क्या मालूम है? ये बच्चा अविनाश का है। मैं सिर्फ उसके साथ, मैंने मां बनने के लिए ही तो, मुझे अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए। बदनाम होकर भी अगर मैं इसे बचा सकी तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। मैं किसी भी कीमत पर पुलिस के पास जाऊंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी प्रेस्टीज है, स्टेटस है, पोजीशन है, और आज मैं और ऊंचाइयों की ओर बढ़ गई हूँ। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं खोऊंगी। तुम खो या पाओ, मैं तो जाऊंगी। मैं इसकी खातिर कोई खतरा मोल नहीं लूंगी। रुक जाओ मिसेस सैल, रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। अविनाश, प्लीज अपने इस बच्चे को बचा लो। ओह, शी इज डेड। ये मर चुकी है। क्या मतलब? पर ये बच्चा? बॉडी हीट तो अभी बाकी है। आप जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। विल ट्राई अवर बेस्ट। नर्स, ओटी की तैयारी करो। इमरजेंसी। डॉक्टर, क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है? प्लीज फिल दिस अप। मुबारक हो, बेटा हुआ है।
ना मिला बाप का प्यार, ना पाया ममता का वरदान, बाप की अय्याशी का फल अब भोगेगी संतान। अविनाश, तुम क्या ये सच है कि तुमने मिसेस दयाल के बच्चे की बाप की जगह दस्तखत किए? हाँ। क्यों? क्योंकि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। ये सच है, ये सच है, तुम्हारी बात सच निकली विकी, तुम्हारी बात सच निकली। तुम्हारा खेल खत्म हुआ अविनाश, यू आर अंडर अरेस्ट। कैसा खेल? मिसेस दयाल का खून देवयानी कामत ने किया है। हो सकता है, फिर भी मैं खतरनाक रेपिस्ट को इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकता। रेपिस्ट? ये क्या कह रहे हो तुम? सच बहुत कड़वा होता है और बहुत देर तक छुपा नहीं रह सकता अविनाश। तुम्हारा कीचेन चोरी नहीं हुआ था, उस रात तुम लीजा के घर गए थे। ये झूठ है। उगते और डूबते सूरज के पीछे की ये तस्वीरें, पहचानते हो इन्हें? तुम्हारे जुर्म का इकबाल है। तस्वीरें रखना कोई जुर्म नहीं है। मेरे ऑपरेशन के वक्त तुम मिनटों में खून ले आए थे, क्योंकि डॉक्टर सप्रा तुम्हारी कैद में थे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? डॉक्टर सप्रा। डॉक्टर सप्रा, डरो मत बेटे, मैं तुम्हारी कैद में जरूर था, फिर भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हमदर्दी है। हमदर्दी? हाँ, बड़े करीब से इन दिनों तुम्हें देखा है, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया है। थोड़ी सी देर की जिस्मानी खुशी की खातिर ये कैसी मौत को दावत दे दी तुमने। पर होनी को तो कोई नहीं डाल सकता डॉक्टर। क्यों नहीं डाल सकता? अगर हमारी आज की पीढ़ी विदेशों की नकल ना करते हुए डिस्को, ड्रग्स और जिस्मों के खुले खेल ना खेले तो इसे जरूर टाल सकते हैं। यह सब तो हमारी संस्कृति में कभी नहीं था। राम और सीता के इस देश में संयम ही हमारी संस्कृति का आधार था। अब उस संयम को खोकर हम एक ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ चलते फिरते कंकाल नजर आएगी। चंद लम्हों की जिस्मानी अय्याशी के दलदल का नाम है एड्स। क्या जिंदगी के चंद लम्हे इस लायक हैं कि सोने जैसी जिंदगी को मिट्टी से भी बदतर बना दिया जाए? मैं जानता हूं डॉक्टर, इसीलिए उसे जड़ से खत्म कर देना चाहता हूं, और मेरा आखिरी शिकार है देवयानी कामत। नहीं, यह काम तुम्हारा नहीं, कानून का है। हथकड़िया लाओ। हाँ डाल। नहीं, किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मेरी चाकू गोली मार दूंगा। हाँ। नहीं अविनाश। हाँ। गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। I'm sorry, Richa. मेरे सामने कोई चारा नहीं था। मैं खुद तुम्हारे साथ यहाँ तक आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी आंखों के सामने मरो। मैंने तुमसे प्यार किया था, आसमान जितना प्यार, और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समुंदर जितनी गहरी नफरत। तुम्हें नफरत करने का हक है, लेकिन कभी तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए कि मैं इस माया जाल में कैसे फंसा, तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसकी मां मर चुकी है और बाप भी नहीं बचेगा।
ओह, तो अविनाश है वो रेपिस्ट, उसी ने हमारे ग्रुप को खत्म किया। आप डरिए मत मैडम, हमारे होते हुए आप बिल्कुल महफूज हैं। पावर जिसके हाथ में होता है डर उसके पास भी नहीं फटकता। हमने सैकड़ों सांपों के फनों को कुचला है, इस केचुए की क्या बिसात। अरे भाई आज खुशी का मौका है, कोई जश्न मनाया जाए। यहाँ की पुरानी रीत है कि बिन बुलाए मेहमान का भी स्वागत किया जाता है। खुशामदीद, कहिए
आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? अगर दे सकती हो तो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। रामजादे, आज मैं तुझे भूल डालूंगा। नहीं, अपने मेहमानों की हिफाजत करना भी हमारी पुरानी रीत है। शुक्र करो कि हमने तुम्हें मेहमान कहा, वरना इस बदजुबानी के लिए तुम्हारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया जाता। सर पर कफन बांध कर आने वाले गोलियों की परवाह नहीं करते। के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? ये तो बच्चे हैं अभी, ऐसे गुड्डों से तो मेरा बबुआ खेलता है। जा, चल रे, चल, चले जाओ यहाँ से। आपकी हिफाजत करूंगा। आइए। मैं बाबू छोड़ूंगा नहीं। आपको तो मार दिया रे। मिस देवयानी कामत, मैं तुझे अब इस लायक रहने नहीं दूंगा कि तू इंसानों को छू भी सके। नागिन तो तुम पहले से थी, शहर मैंने आज भर दिया है। हरामजादे! Thank you.
अविनाश, 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 मैं दोस्त, अब अगर तुम कानून का फर्ज पूरा करना चाहते हो तो कर लो, मैंने तो ना कर्ज उतार दिया है, गोली मार दो, एहसान होगा। नहीं अविनाश, नहीं, तुम कानून के मुजरिम हो और हम तुम्हारे। अविनाश, डॉक्टर सप्त ने हमें सब कुछ बता दिया है। अविनाश, नहीं, इसे भी सांसों से दूर रखो, बस एक इच्छा है, इस चकाचौंध भरी दुनिया की रोशनी से अंधा होकर जिस तरीके से मैं फिसल गया उस तरह इसके पांव ना फिसले। इसे बचाए रखना, इसे माँ बाप का प्यार देना। विक्रम, इसके सर पर हाथ रखकर वादा करो, वादा करो। मैं तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा करूंगा अविनाश, जरूर पूरा करूंगा। थैंक यू विक्रम, थैंक यू रिचा। बेटे, तुम तक इन पापों की कोई लहर ना पहुंचे, मैं तो अब चलता हूं, तुम तक ये नया जहर ना पहुंचे।